नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों मैं हूं अभी दिल्ली मथुरा हाईवे रोड पर और मैं निकल पड़ा हूं अपनी दिल्ली टू कन्याकुमारी राइड पर। और मैं अभी अपने घर से आ चुका हूं कम से कम 118 से 20 किलोमीटर के आसपास। मुझे लगा मुझे अब एक रेस्ट लेना चाहिए क्योंकि बाइक काफ़ी ज़्यादा चल चुकी है और मैं अभी इस ढाबे पर रुक गया। अभी काफ़ी मैं चला सकता था, अभी थोड़ी एनर्जी, अभी काफ़ी एनर्जी है मेरे अंदर, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए, बाइक भी काफ़ी गर्म होगी होगी। फिर तो मैं निकल गया था सुबह 5 बजे और 5 बजे से 6:30 तो बज चुके हैं। भी यहाँ से मैंने सोचा है कि अपना जो बस स्टॉपेज लूँगा वो लूँगा मैं सीधा झांसी। झांसी यहाँ से दिखा रहा है कम से कम अभी 300 किलोमीटर और। मानो मानो पूरा पैक है और अभी बस मुझे अपने टैंक बैग बहुत सेटल कर रहा है। कभी यार ये लेफ्ट राइट में बार बार जा रहा है, चलते चलते बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। डोर से मैंने सब कुछ सेट कर दिया है तो चलिए अब मिलते हैं सीधा हाईवे पर। अभी एक ब्रेकफास्ट करूँगा, मैं देखता हूँ कहाँ मुझे थोड़ा सा लगेगा कि मुझे ब्रेकफास्ट करना चाहिए तो वहीं मैं रुकूँगा और मिलते हैं सीधा हाईवे पर। भाई शुरू करते हैं, आ गए हम हाईवे पर। तो गाइस मैं आ गया हूँ अभी हाईवे पर, 115 किलोमीटर अपने घर से आ चुका हूँ और अभी भी जो ये झांसी दिखा रहा है मुझे छः घंटे का रास्ता दिखा रहा है 321 किलोमीटर और ऑलरेडी मैं 115 किलोमीटर कर चुका हूँ कवर। तो ये 115 किलोमीटर के लिए मैं सुबह 5 बजे अपने घर से निकला था और 6:30 के आसपास मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। अब देखते हैं 321 किलोमीटर कितनी देर में होगा। लगता था मुझे 2:30 बजे तक 3 बजे तक हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर नहीं जा सकते। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक लिया मैंने, गाड़ी चल गई थी मेरी 240 किलोमीटर कंटिन्यू चल रही थी। मैं साइड में इतना टाइम हो गया था कुछ दिख ही नहीं रहा था साइड में, बस मुझे ये मार्केट दिखी। काफ़ी लोग यहाँ खाना वगैरह भी खा रहे थे तो मैं सोच रहा हूँ यहीं से कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर दूँ। अब कोई ढाबा वगैरह भी नहीं दिख रहा है रोड पर। तो अब ये कचौड़ी वचौड़ी लग रही है, क्या पूड़ी है पता नहीं क्या है। और ये क्या है, ये कितने की है? 7 रुपये? बस यार तो बड़ा सस्ता यार 7 रुपये में यही चीज़ हमारे यहाँ पे कम से कम पता नहीं कितने की होती। 40 रुपये की 2 पीस देते हैं ये लोग। तो बाइक मेरी वो खड़ी है उधर। अब चलो ये ब्रेकफास्ट ही करता हूँ इतने, फिर आगे रास्ते में कुछ मिले ना मिले मिलता हूँ आपको फिर से हाईवे पर। तो दोस्तों यहाँ पीछे मैंने एक हलवाई का दुकान था, वहाँ से मैंने 7 रुपये का एक 2 पूरियाँ लिया, बेडमी पूरी एंड 7-7 रुपये का 2 कचौड़ी ले लिया। अपना ब्रेकफास्ट तो पूरा कंप्लीट हो गया है, अभी ढूंढते हैं कहीं ना कहीं लंच, देखते हैं कहाँ हम लोग करते हैं। तब तक आप रोड का एंजॉय लीजिए, रोड का मज़ा, कितना बेहतरीन रोड है सच में यार। गाइस मैं अभी आ गया हूँ ग्वालियर, दिखा रहा है मुझे झांसी का रास्ता राइट में। अभी यहाँ से 106 किलोमीटर रह गए, चलते हैं भाई। फिर अब यहाँ से मुझे राइट होना है। चलो भाई तानसेन द्वार हजीरा है, गूगल होगा हमें क्या। और भी नीचे पता नहीं शॉर्टकट दिखा रहा था, मैंने यहीं से ले लिया। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा अरे क्या बंदा नॉनसेंस की तरह बस कैमरे में बोले जा रहा और सामने बस रोड दिखाया जा रहा। तो दोस्तों इसे कहते हैं मोटो ब्लॉगिंग। इसमें क्या होता है, हम लोग एक एक्शन कैमरा अपने हेलमेट में लगा लेते हैं आगे चिन पर और बस उसमें सामने का सारा व्यूज़ रिकॉर्ड होता रहता है और बस हम उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते रहते हैं हेलमेट के अंदर से, क्योंकि हेलमेट के अंदर ही हमारे माइक वगैरह लगे होते हैं। तो इसे कहते हैं मोटो ब्लॉगिंग। ये एक नया ब्लॉग आया है यार मार्केट में, अब तो काफ़ी टाइम हो गया है। 2419 झांसी 57, मुझे लगता है डायरेक्ट सीधा यही रोड जा रहा है। सो गाइस मैंने अभी जो अपना लंच ब्रेक लिया है ना, ये मैं झांसी से थोड़ा डिफरेंट रास्ता मैंने पकड़ लिया था और ये जो रास्ता मैंने लिया सागर की तरफ, सागर यहाँ से 200 किलोमीटर, क्योंकि 1 बजे मैं झांसी पहुँच चुका था और झांसी पहुँचने के बाद फिर मैं सागर की तरफ निकल गया। मतलब उससे पहले ही एक डाइवर्जन आ रहा था तो मैं वहाँ निकल गया हूँ और बस बीच में भूख काफ़ी देर से लगी थी तो ब्रेक लेना पड़ा। अभी थोड़ा 1-1.5 घंटे मैं रुकूँगा, बाइक मैंने अपनी यहाँ खड़ी कर दी है, बस यहाँ इस रेस्टोरेंट में रुकूँ। क्या नाम है सब ये रहा, मुस्कान ढाबा। तो यहीं अभी देखता हूँ क्या खाता हूँ मैं।
बताता हूँ कुछ लेने के बाद आपको। ठीक है, ऑर्डर किया है ना, वो मैंने किया है ये दाल फ्राई एंड रोटी। अभी तो लंच इससे ही काम चलाऊँगा मैं, आपको देखता हूँ मेरे को क्या मिलता है, क्योंकि अभी तो हाईवे पे है, हाईवे पे तो सिंपल खाने ठीक है कोई ज़्यादा। चलते चलते मेरे को स्टॉप दिखा, मेरे को नदी दिखी, मैंने रुक गया बस। चलो यहाँ वीडियो बनानी चाहिए, व्यू बड़ा मस्त है यार ये, बीच में एक पेड़ भी है, ये पता नहीं कैसे सारे रॉक्स वगैरह इधर ना देखो। चलो मैं ऐसे ले जाता हूँ, डाल दो आ जाओ। तो दोस्तों बाइक में मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया, झटके मारने लग गई थी ये, मैंने देखा कि क्या हो गया, मैंने पेट्रोल चेक करा, पेट्रोल बिल्कुल थोड़ा था, स्टार्ट ही नहीं हो रही है, तो मैंने यहाँ करके देखा है। ये बोल रहे 25 रुपये का एक क्वार्टर दिया इन्होंने, कह रहे 2 किलोमीटर हैं यहाँ से पेट्रोल। चलो देखते हैं भैया, आज पहुँच जाऊँगा मैं इतने। चलो बाकी पेट्रोल पंप पे पहुँच के करवाता हूँ मैं, जैसा भी होता है। भाई लाइनें क्यों लगी है यहाँ पे इतनी सारी, फ्री में बट रहा है क्या पेट्रोल लग रहा है? मेरे को लगता है यूपी का लास्ट वाला पेट्रोल पंप होगा तभी। डीजल 88 रुपये 98 पैसे, हाँ लास्ट पेट्रोल पंप होगा तभी इतना मिला। सुंदर का क्लियर है अभी, बस रोड भी, रोड में बड़ा खर्चा किया गवर्नमेंट ने, क्या रोड है सच में यार। आर्मी के तोप कहाँ से आ गई है, बड़ी है भाई। थोड़ा सा रेस्ट किया जाए वापस, बहुत देर होगी बाइक चलाते हुए। शैले तो खाट पे बिठा के क्या क्या मिलेगा इनके पास, भाई सब क्या हो रहा है यहाँ पे, इतना खराब रोड नहीं देखा मैंने, बंदे जानबूझ के मट्टी उड़ा उड़ा के जा रहे हैं गाड़ी वाले, क्या हालत है रोड की यार। चलो रोड की इतनी हालत खराब है, वही देखो यहाँ कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, जो मैं चला रहा था 90-100 वो यहाँ करके 25-30 की स्पीड रह गई है। पहुँच गया हूँ अपने होटल, ये हाईवे पर ही मुझे मिल गया था, सस्ता एंड टिकाऊ, मतलब मेन रोड पर ही था। तो तब तक के लिए तो मैं दिखाता हूँ, ये रूम छोटा सा रूम है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बस रात रात को सोने के लिए मुझे चाहिए, ये मेन रोड पर ही था। तो नीचे मैंने अपनी बाइक लगा दी है कहीं पे, फिर मिलते हैं। अब देखता हूँ मैं, अगर खाना वगैरह मिल जाए जिस होटल में रुकाऊँ, ये सिर्फ यहाँ रुकने की व्यवस्था है, मुझे खाना वगैरह देते नहीं है, मेरे को बस एक फूड वगैरह और देखना पड़ेगा। जाता हूँ नीचे, कहीं फूड मिलता है तो मैं लेके आता हूँ, फिर उसको खा करके, बस इतनी हिम्मत बची नहीं है कि मैं खाना भी लेकर के आ जाऊँ। तो चलो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्टे हैप्पी स्टे ट्यून, बाय बाय।